केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल के राजनीतिक जीवन की कहानी भी काफी रोचक है। कभी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहे एसपी सिंह बघेल ने राजनीति में एंट्री ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एसपी सिंह बघेल तब उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में रहते हुए उन्होंने राजनीति का ककहरा ऐसा सीखा कि आज केंद्र सरकार में मंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अब राजनीति जगत में बड़ा नाम है। सबसे पहले बघेल बतौर सब इंस्पेक्टर तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सुरक्षा गार्ड थे। इसके बाद उन्हें मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत भी बदल गई। मुलायम सिंह यादव ने एसपी सिंह बघेल को 1989 में जलेसर सीट से सपा का उम्मीदवार बनाया था और वे लोकसभा चुनाव जीत भी गए थे। 2010 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया और उसके बाद राज्यसभा पहुंच गए। इसके बाद राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। हालांकि राजनीति में आने से पहले वह कुछ समय तक आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। 2017 में आगरा के पास टूंडला विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। 2019 में बीजेपी ने उन्हें आगरा से लोकसभा का टिकट दे दिया और इसके बाद एसपी सिंह बघेल लोकसभा के सदस्य बन गए। एसपी सिंह बघेल का परिवार उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाला है और उनके पिता मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में थे। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे बघेल 2010 में बसपा में शामिल हुए थे। मायावती ने बघेल को न सिर्फ राज्यसभा भेजा बल्कि उन्हें बसपा का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया था। एसपी सिंह बघेल 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें सपा के अक्षय यादव के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव के बाद ही उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। एसपी सिंह बघेल धनगर जाति से आते हैं और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। दरअसल धनगर जाति के एसपी सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के जिस नोटिफिकेशन के आधार पर खुद को अनुसूचित जाति का बताया है, आगरा की लोकसभा व टूंडला की विधानसभा रिजर्व सीटों से चुनाव भी लड़ा है। उन तीनों नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। जिस टूंडला सीट से विधानसभा और आगरा सीट से लोकसभा के चुनाव वे जीते हैं, वे दोनों ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और इसको लेकर भी उनके साथ विवाद होता रहा है। अब मोदी सरकार में एसपी सिंह बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी से आगरा के लोगों को उम्मीद है कि वे आगरा शहर के लिए कुछ नया जरूर करेंगे।